नेक्स्ट टॉपिक है साडा प्रिंसीपल ऑफ जकार्ड शेडिंग मीन्स ए जड़ी साडा जकार्ड शेडिंग है एक किस प्रिंसीपल ते काम कर रही है इस दे विच मैं तानू ए फिगर शो करके थोड़ा इस बारे समझाना चाहांगा पहला तुसी इस फिगर दे विच एक जकार्ड मशीन दे विच केड़े केड़े पार्ट्स हुंदे हन उन्हां बारे थोड़ा जान लो जड़ियां ए वर्टिकल्स ने ए ताड़ियां हुक्स ने जिस तरह एरो दे नाल ए शो कीता गया ए वर्टिकल ताड़ियां हुक्स ने यह जड़ियाँ होरीजेंटल ने यह ताड़ियाँ नीडल्स ने जो कि इस एरो दे नाल तुहानूं इह शो कीता गया तो जड़ी हर एक हुक है वह एक नाइफ के उत्ते रेस्ट कर रही है इस साइड से इस एरो राही तुहानूं दस्सिया गया दैट इज योर नाइफ इस फिगर दे विच असीं देख रहे हैं कि इत्थे टोटल अठ नाइफ हन एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ अठ नाइफ है ते थले अठ ही हुक्स हैं जो कि उस नाइफ के उत्ते रेस्ट कर रही हैं ते इस पूरे नाइफ के यूनिट नू इस पूरे नाइफ के यूनिट नू टोटल अठ नाइफ है यह पूरे यूनिट नू असी ग्रिफ कह देने दैट इज योर ग्रिफ अगे तुसी देखोगे कि हर एक हुक थल्यों बेंड है एट वन थर्ड ऑफ देयर लेंथ यह देखो यह उत्तों बेंड है यह बेंड होके यह ग्रेट हुंदा है लकड़ी का जिरे उत्ते यह वालियां हुक्स थल्यों बेंड होके उरे उत्ते रेस्ट कर दिया हन ते हर एक हुक दे थले नेक कोड बंद दित्ती जांदी है ते उहदे नाल फदर हारनेस बंद दित्ती जांदी है अगर असी हुण नीडल साइड आईए तां हर एक नीडल दे अगे एक स्प्रिंग बॉक्स लगा हुंदा है मीनस एक जकार्ड मशीन दे विच अगर मान लो 100 हुक्स हन ते 100 ही नीडल्स होणगीआं उस 100 नीडल वास्ते हर एक स्प्रिंग बॉक्स दे विच हर एक नीडल वास्ते एक एक स्प्रिंग लगा होएगा हुण इस डायग्राम दे विच असीं देख पा रहे हां कि इत्थे 8 नीडल हन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नीडल हन ते स्प्रिंग बॉक्स दे विच 8 ही स्प्रिंग हन हुण अगर इसकी अगर असी थोड़ी बैक साइड ते देखिए इस साइड ते तां हर एक नीडल दा हर एक हुक दे नाल लिंक दित्ता गया है विद दी हेल्प ऑफ दिस बेंड हर एक नीडल दा हर एक हुक दे नाल लिंक है विद दी हेल्प ऑफ दिस बेंड ए देखो बेंड पे है मींस जो एक्शन अगर कुछ भी एक्शन असी नीडल ते करांगे वो सेम एक्शन ट्रांसफर हो जाएगा हुक ते एक तरह का तुसी कह लो कि हुक ते नीडल दा आपस लिंक दित्ते दा अगे तुसी देखोगे कि हर एक नीडल दे पिछे वो नीडल जड़ी है इस नीडल बोर्ड दे उत्थों पास हुंदी पई इस नीडल बोर्ड दे विच की आ होल्स हुंदे ने ते उहनां विचों ए वालियां जड़ियां नीडल्स है वो पास हो जांदियां ते उस ते पिछे हर एक जिन्नियां 8 नीडल्स हन इहनां दे सामने एक 4 साइडेड सिलेंडर पिया हुंदा ए 4 साइडेड सिलेंडर फिट हुंदा है ते इस 4 साइडेड सिलेंडर दे उत्ते कार्ड दी चेन इस तरह चढ़ी हुंदी है ए कार्ड चेन इस तरह चढ़ी हुंदी इस 4 साइडेड सिलेंडर दे उत्ते असी एक गत्त्यां दी चेन हुंदी है वो असी एरे उत्ते चढ़ा देने उस गत्त्यां दी चेन ने ही इस नीडल ते हुक्स दी मूवमेंट नू कंट्रोल करना हुण जड़े गत्त्यां दी वाली चेन बनी दी है इस गत्त्यां दे विच असी जिथे जिथे वार्प अप करना असी उत्ते होल कट्टिया हुंदा है ते जिथे वार्प अप नहीं करना उत्ते असी होल नहीं कट्टिया हुंदा एक मशीन हुंदी है जिहदे द्वारा इह वाले गत्ते असी मशीन दे उत्ते कढ़दे हां जिहनूं असी कहिंदे आ पियानो कार्ड कटिंग मशीन मीनस किहड़ी हुक्स ने जां किहड़ी नीडल ने ओपरेट करना उसनूं उसदी नीडल दी मूवमेंट नूं कौन कंट्रोल करदा उह असी कमांड दिंदे आ इस कार्ड चेन तों ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਪ ਅਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਹੋਲਸ ਅਸੀਂ ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰਡ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਗੱਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ
कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੱਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁੱਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਰਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੀਡਲਸ ਇਹ ਨੀਡਲ ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੀਡਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨੀਡਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁੱਕ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਈਫ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੌਪ ਸ਼ੈਡ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਡਲਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੀਡਲਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਫ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏਗੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਨ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਡ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਲ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਮੀਨਸ ਟੌਪ ਸ਼ੈਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਬਣੇਗਾ ਟੌਪ ਸ਼ੈਡ ਬਣੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੋਲ ਇਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਬਾਟਮ ਸ਼ੈਡ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਾਟਮ ਸ਼ੈਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੌਪ ਸ਼ੈਡ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਡਲ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਨੀਡਲ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁੱਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਈਫ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਫੋਲਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਜਕਾਰਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਫੋਲਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕੈਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
नेक्स्ट है डिजाइनिंग, स्केचिंग जो हो जाती ग्राफ पेपर से उस तो बाद असी उस डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग मीनस असी उसके विच वी भरते हैं, असी मान लो उस दे विच प्लेन वी भरते हैं या ट्विल वी भरते हैं या सटन स्टीम वी भरते हैं। डिजाइनिंग मीनस असी जो भी आउटलाइन की है, जो भी स्केचिंग की है, उसके विच असी केड़ी वी भर रहे हैं, दैट इज योर डिजाइनिंग। डिजाइन करने तो बाद अगला है कार्ड कटिंग, थर्ड स्टेप है कार्ड कटिंग। असी डिजाइन जो असी ग्राफ पेपर से बना देने हैं, उस तो बाद वो डिजाइन तो देख के असी गत्ते कटते हैं, कार्ड कटिंग। मीनस जिथे उस डिजाइन के कलर फिल किए ग्राफ पेपर के उत्ते कलर फिल किए, जो कि साडा इंडीकेट करता है वारपअप, जिथे जिथे कलर फिल किए, जिथे जिथे वारपअप इंडीकेट किए, असी उस डिजाइन तो देख के असी गत्ते दे विच होल कट देने। नैक्सट है लेसिंग, गत्ते कटने तो बाद असी उन्हां दी एक चेन बना देने विद दी हैल्प ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड मीनस कुछ रस्सी दे नाल, डोरी दे नाल असी उन्हां दी एक चेन बना देने, जिन्हों उस प्रोसैस नूं असी कहने आ लेसिंग। सैकेंड स्टैप है हारनस बिल्डिंग, जदों यह पहला स्टैप कंप्लीट हो जाता है, स्कैचिंग कर लैने, डिजाइनिंग कर लैने, कार्ड कटिंग कर लैने, तो लेसिंग भी कर लैने, उस तो बाद हारनस बिल्डिंग। मीनस तुहानूं मैं दस्सिया सी कि हर एक हुक्स के थले असी फदर हारनस बनते हैं, जिन्हों असी आम लैंग्वेज कही तो जाला भी कहते हैं पंजाबी दे विच। असी हर एक हुक्स के जिन्नी भी हुक्स जो कार्ड होंदियां आदि उन्हां दे थले हारनस बिल्डिंग करते हैं, हारनस बनते हैं। थर्ड स्टैप है जकार्ड मशीन के होर की होंगे, किस तरह करैक्टराइज करेंगे। थर्ड स्टैप है लिफ्टिंग ऑफ ग्रिफ नाइफ एंड हुक्स। इस जकार्ड मशीन के जड़ा तुहानूं मैं दस्सिया सी जड़े ग्रुप्स ऑफ नाइफ्स हुंदे ने उन्हां नूं असीं ग्रिफ कह दिंदे हां, नाइफ्स एंड हुक्स, लिफ्टिंग ऑफ ग्रिफ नाइफ्स एंड हुक्स। एक जकार्ड मशीन दे विच इह चीज़ां दी लिफ्टिंग हुंदी है। दैन रोटेशन ऑफ कार्ड सिलेंडर, एक जकार्ड मशीन दे विच कार्ड सिलेंडर भी रोटेट करता है, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जकार्ड मशीन दे सिलेंडर ते जो कि फोर साइडेड हुंदा उस ते कई गत्तियां दी चेन चढ़ी हुंदी है। मान लो एक नंबर गत्ते दी अगर वर्किंग हो गई है तो साडा की है जड़ा रैक्टेंगुलर सिलेंडर है वह रोटेट करेगा, वह रोटेट करेगा और वो रोटेट करने के नाल की होएगा कि साडा दो नंबर गत्ता उस नीडल के सामने आ जाएगा। जो तो दो नंबर गत्ते की टर्न कंप्लीट हो जाएगी तो वह साडा फोर साइडेड सिलेंडर फिर रोटेट करेगा तो साडा तीन नंबर गत्ता उस नीडल के सामने लाएगा। सो यह सारा प्रोसैस की है, असी जो एक जकार्ड शेडिंग करते हैं या जकार्ड का कोई भी डिजाइन अगर असी कपड़े के बनाने तो सानू ए वाले प्रोसैस करने पड़ते हैं, जिस तो एक ही समझ लें कि यह जकार्ड शेडिंग को करैक्टराइज कर रही है। अगर मैं समअप करा इस तो इस स्कैचिंग की जाती है, स्कैचिंग तो बाद डिजाइनिंग की जाती है, डिजाइनिंग तो बाद कार्ड कटिंग की जाती, कार्ड कटिंग करने के बाद उन्होंने एक चेन बना दी जाती है जिन्होंने असं लेसिंग करने हैं। दैन हारनस बिल्डिंग होंगी है, लिफ्टिंग ऑफ ग्रिफ नाइफ्स एंड हुक्स होंगी है, दैन रोटेशन ऑफ द कार्ड सिलेंडर होंगी है। नैक्सट है साढ़े को टाइप्स ऑफ जकार्ड, जकार्ड की साढ़े को केड़ी केड़ी टाइप्स हैं। जकार्ड साढ़े को फॉलिंग टाइप्स होंगे, पहला है सिंगल लिफ्ट जकार्ड, दूजी टाइप है साढ़े को डबल लिफ्ट जकार्ड। डबल लिफ्ट जकार्ड साढ़े को दो तरह का होंगे, डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर एंड डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर। नैक्सट थर्ड है साढ़े को जो जकार्ड है स्पैशल यूज वास्ते, स्पैशल यूज वास्ते भी साढ़े को जकार्ड होंगे ने, वो केड़े केड़े जकार्ड ने, क्रॉस बॉर्डर जकार्ड, डमास जकार्ड, लीनो जकार्ड, डबल शेड जकार्ड, कंपाउंड जकार्ड। नैक्सट साढ़े को कैटेगरी है स्पैशल टाइप ऑफ जकार्ड, उस साढ़े आ जाते हैं ओपन शेड जकार्ड, इलेक्ट्रिकल जकार्ड, वर्डोल जकार्ड, विनसिंजी जकार्ड। ये साढ़े जेडे वर्डोल ते विनसिंजी जकार्ड ने, यह साढ़े फाइन पिच जकार्ड ने। नैक्सट साढ़े को है साइजिज ऑफ जकार्ड, मीनस जकार्ड साढ़े को केड़े केड़े साइज के अवेलेबल है, ये वो तुहानू चार्ट थोड़ा शो किए दा। इस दे विच की दस्या गया तुहानू साइज ऑफ मशीन, हुक्स पर रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ हुक्स एंड नंबर ऑफ जकार्ड। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को 100 हुक का जकार्ड है, उस 100 हुक के जकार्ड के विच हुक्स पर रो
वो साढ़े को होन गया 26। नंबर ऑफ रोज होन गया 4, जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा तुम्हें, ये साढ़े को रोज होंगे 4, 1, 2, 3, 4, ये साढ़े को 4 रोज ने, एक रो दे विच 26 होन गया, 26 एच, 26 सेकेंड, 26 थर्ड, 26 फोर्थ विच, ये 4 रो हो गई, ते हर एक रो दे विच 26 बुक्स हो गई, तो 26 इंटू 4 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 104, बट असी उस जकार्ड नू कहांगे जी ये साडे को 100 हुक दा जकार्ड। जिहड़ा भी असी जकार्ड नू अगर असी कोई नंबर बोलदे आ, मान लो 100 हुक दा जकार्ड या 200 हुक दा जकार्ड या 300 हुक दा जकार्ड, ऐसा नहीं है कि उहदे विच टोटल 100 ही हुक्स होण गया या 200 ही हुक्स होण गया। अगर मैं कह रहा जी 200 हुक दा जकार्ड है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस सिर्फ टोटल 200 ही हुक्स होण गया, हर एक जकार्ड मशीन दे विच एक्सट्रा नंबर ऑफ हुक्स होंदियां, वो जिहड़ियां एक्सट्रा नंबर ऑफ हुक्स एक जकार्ड दे विच प्रोवाइड कीतियां होंदियां, उहदे नाल असी की है अपना कपड़े के उत्ते, कपड़े के साइड्स से जो सैलवेज बनता उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या जोड़े साढ़े शटल बॉक्सिस असी यूज करते हैं मशीन के उत्ते फॉर द इंसर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेफ्ट कलर इन द फैब्रिक, असी जो डिफरेंट कलर का वेफ्ट इंसर्ट करते हैं वो असी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉबॉक्स मोशन यूज करते हैं, उस ड्रॉबॉक्स मोशन भी असी इस हुक्स के राही, इस एक्सट्रा हुक्स के राही कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस करके एक्सट्रा हुक्स है इस जकार्ड मशीन से प्रोवाइड की होंगे। सो इसे तरह ही 200 हुक का जकार्ड है, 200 हुक का जकार्ड है, उहदे विच भी नंबर ऑफ रोज तुहाडियां 8 होणगियां, जिस तरह यह 1, 2, 3, 4 सी लास्ट जकार्ड दे विच, इस तरह ही 8 रोज होणगियां, ते हर एक रो दे विच 26 बुक्स दित्तियां होणगियां, ते इसे तरह 200 हुक जकार्ड दे विच बुक्स पर रो 51 भी हो सकदियां, ते उहदे नंबर ऑफ रोज 4 भी होणगियां, टोटल नंबर ऑफ हुक्स जिहड़ियां होणगियां दैट इज योर 204, बट असी उस जकार्ड नूं 200 हुक दा जकार्ड कहांगे। इस तरह ही क्लासीफिकेशन दित्ती दी है 300 हुक दे जकार्ड वास्ते, 400 हुक दे जकार्ड वास्ते, 500 हुक दे जकार्ड वास्ते, 600 हुक दे जकार्ड वास्ते, दैन इसे तरह ही 900, दैन 1200। सो दिस इज द क्लासीफिकेशन, और यू कैन से द साइजिज ऑफ द जकार्ड, जकार्ड के कड़े कड़े साइज हैं। नेक्स्ट है फिगरिंग कैपेसिटी ऑफ जकार्ड, एक जकार्ड की असी फिगरिंग कैपेसिटी किस तरह बढ़ा सकते, किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह इनक्रीज कर सकते हैं, वो कह रहे हैं जी दैट इज मेनली डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ जकार्ड, एक जकार्ड की की कैपेसिटी की है, एक जकार्ड की जी फिगरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि और जो टोटल कैपेसिटी की है, टोटल कैपेसिटी मीनस अगर मैं कह रहा कि यह 100 हुक का जकार्ड है या 200 हुक का जकार्ड है, तो फिगरिंग कैपैसिटी मीनस जिन्या हुक्स उस जकार्ड के विच हैगियां उन्निया ही उसकी फिगरिंग कैपैसिटी है, अगर 100 हुक्स का जकार्ड है इट मीनस वो 100 वार तक कंट्रोल कर सकता है, सो उसकी फिगरिंग कैपैसिटी उत्ते लिमिट होगी। सो इसे तरह ही नैक्सट वो कह रहे हैं फिगरिंग कैपैसिटी ऑफ जकार्ड कितने डिपेंड करती है, काउंट ऑफ रीड यूज, असी किन्ने काउंट की रीड उस मशीन से यूज कर रहे हैं उसते भी एक जकार्ड की फिगरिंग कैपैसिटी डिपेंड करती है। थर्ड है फिगरिंग कैपैसिटी ऑफ जकार्ड और कितने डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सेंटर ड्राफ्ट, सेंटर ड्राफ्ट मीनस पॉइंटेड ड्राफ्ट, पॉइंटेड ड्राफ्ट यूज करने के नाल भी एक जकार्ड की फिगरिंग कैपैसिटी इनक्रीज हो जाती है। बाय कंबाइनिंग टू और मोर जकार्ड, अगर असी दो या दो तो बाद जकार्ड नूं अगर असी आपस कंबाइन करके एक कपड़ा बनाने लिए अगर असी यूज करते हैं तो उसके नाल भी असी एक जकार्ड की फिगरिंग कैपैसिटी बढ़ा सकते हैं। By using fine pitch jacquard use करने के नाल भी यह भी एक special तरह के jacquard होंगे ने जो असी कपड़ा बनाने लिए use करते हैं, अगर असी यह वाला jacquard भी use करेंगे तो ये भी साड़ी की है figuring capacity increase हो जाती है। Next है साडा क्रॉस बॉर्डर jacquard use करने के नाल भी साड़ी jacquard की figuring capacity increase हो जाती है। By using pressure harness with yield, अगर असी प्रेशर हार्नस नूं अगर असी हील शाफ्ट दे नाल कंबाइन करके अगर असी यूज करते हैं तां भी असी एक जकार्ड दी फिगरिंग कैपेसिटी इनक्रीज कर सकते हैं।